थॉट ऑफ द डे। आने वाला जीवन तभी शानदार हो सकता है जब तुम ईश्वर के साथ पूर्ण सद्भाव में जीना सीख जाओगे। ओम साई राम। टीम साई पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और साई पूजा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत करती हूँ। टीम साई पूजा आप सब भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त रघुनाथ राव तेंदुलकर और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। बंबई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का परम भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत व्रत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के साथ उसने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की बात बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखें। सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों का द्वारा बनाई गई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दें और अपना अभ्यास कर्म चालू रख। शांत चित से परीक्षा में बैठे। वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं है। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त हैं। अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसे सफलता मिली। यहाँ इतनी बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणित हो जाती है। जैसे भी हो परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। रघुनाथ राव बंबई की एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे।
छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन ना हुआ। अब यह आवश्यक था कि सेवानिवृत्त की पूर्णकालिक छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध और विश्वासपात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। पेंशन कितनी दी जाए, यह प्रश्न विचारधीन था। उन्हें 800 रुपए मासिक वेतन मिलता था, इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपए, जो उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु अपर्याप्त थी, इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपए दी जाए, क्या तुम्हें संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा, बाबा मुझ दासी से आप क्या पूछते हैं, हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपए कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपए अधिक अर्थात 110 रुपए पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना प्रेमित स्नेह और कितनी चिंता रखते हैं। ओम साई राम। तो आज हमें रघुनाथ तेंदुलकर जी के जीवन से क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि बाबा परीक्षा तो लेते हैं, परंतु अगर हमारा उन पर विश्वास, दृढ़ और श्रद्धा होगी तो हम उसमें सफलता अवश्य पाएंगे। ओम साई राम, जय साई राम। कृपया साई पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश, क्या शिक्षा मिलेगी। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम।